कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आज हम दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज, मैं सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग करना चाहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। आज दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 3, आज दोस्तों हम लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। बेटे पहले एक तो लेक्चर 1A हो गया और एक 1B, मैं कहता हूँ इसको मान लीजिए लेक्चर नंबर 1 और इसको मान लीजिए लेक्चर नंबर 2। बेटे आज जो है मैं लेक्चर नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ। मान लेते हैं पहला 1A जो लेक्चर था उसको 1 मान लेते हैं और 1B को 2 मान लेते हैं। बेटे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों आपके सामने। मैं आज फिर दोबारा से लेक्चर 3 की तरफ शुरुआत कर रहा हूँ। आज का जो एजेंडा रहेगा लेक्चर नंबर 3 का, मैं पहले 1A, बेटे मैं पहले 1A हाँ बेटा अब शुरू कर रहे हैं बेटे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट लेक्चर 3। बेटे लेक्चर 3 आज हम शुरू करेंगे। पहले मैं लेक्चर 1 करा चुका हूं 1A, तो मैं कहता हूं ये मेरा लेक्चर नंबर मान लेते 1 है। तो बेटे लेक्चर 1 भी मान लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 है, ऐसा मान लेते हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं बेटे लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। आज लेक्चर 3 शुरू कर रहे हैं। कहते हैं जी जब भी कोई नया काम शुरू करे एक बार ऊपर वाले को जरूर याद करना चाहिए। तो मैं एक मिनट के लिए आपके सामने भगवान को याद कर रहा हूं और आप सब ध्यान से सुने। Thank you.
भगवान का नाम सुन लिया। दोस्तों हम आज शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो मैं एक चीज थोड़ा सा बता दूं आपको, लेक्चर नंबर 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो मैं आज का एजेंडा बता दूं, मैं पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 मतलब 1A और 1B की रिवीजन करूंगा और फिर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा और बड़े सारे कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं जी आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 334 निकाल लें, एक बार पेज नंबर 334 निकाल लें। बेटे आपने सामने ये पेज मैंने खोल दिया है, कंसेप्ट नंबर 1 अगर आप इसमें देखें तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज / व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है और व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, ये मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी बता दिया है। कंसेप्ट नंबर 2 व्हाट इज होम करेंसी एंड व्हाट इज डोमेस्टिक करेंसी, ये कर लिया है। कंसेप्ट 3 फॉरेन करेंसी, इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया को छोड़कर बाकी सब करेंसीज फॉरेन करेंसीज है, कंट्रीज एंड करेंसीज। तो बेटे हमने कंसेप्ट 5 कर लिया फ्लो चार्ट, 6 कर लिया एक्सचेंज रेट, 7th भी कर लिया बेटे बेस करेंसी एंड कोर करेंसी, कंसेप्ट 8 लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कंसेप्ट 9 इंटरबैंक रेट / बैंक रेट, कंसेप्ट 10 टू वे बैंक कोटेशन, बेटे 10 भी कर लिया। फिर मैंने 11 बताया था बेटे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटे। फिर 12 कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट, हाउ टू रीड अ बैंक रेट, एक बैंक रेट को कैसे पढ़ना चाहिए ये बताया था बेटे। कंसेप्ट 13 कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट पोटेंशियल इनटू इनडायरेक्ट पोटेंशियल, ठीक है जी। कंसेप्ट 14 इवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट पोटेंशियल रिसीव फ्रॉम टू बैंक्स। तो बेटे लास्ट मैंने कंसेप्ट 15 तक बता दिया था वन वे एक्सचेंज रेट पोटेंशियल, वन वे एक्सचेंज रेट पोटेंशियल। तो बेटे आज हमने अभी 16-17 तो नहीं कर रहे, 18 कर रहे हैं पहले, 16-17-18-19 भी नहीं कर रहे बेटे, मैं पहले कंसेप्ट 20 से शुरू कराऊंगा आज। अभी 4-5 कंसेप्ट मैं जब समय आएगा तो बताऊंगा, इतनी रेलेवेंस नहीं होगी। मैं आज कंसेप्ट 20 से शुरू करने वाला हूँ। फिर बेटे मैंने एक लास्ट क्लास में वीडियो दिखाया था कि किस किस कंट्री के पास गोल्ड के रिजर्व ज्यादा है, किस किस कंट्री के पास रिच कंट्रीज है और वो कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है। आइए मैं एक बार आपका ध्यान थ्योरी में लेके जाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे हमने एक थ्योरी का पेज खोल लिया है और उसमें लिखा हुआ व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा तो आप को हैरान हो जाएंगे आप कि एक कंट्री का एक यूनिट हमारी करेंसी के, हमारी कंट्री के 60 यूनिट के बराबर है, ठीक है। एक डॉलर अमेरिका का हमारे 60 रुपीस के बराबर है, ये तो बहुत दुख की बात है इंडियंस के लिए। आप बताइए दुख की बात है बेटे ये इंडियंस के लिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं ऐसा ही क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं बेटे। अब सवाल आता है कि आप अगर किसी दो फैमिलीज को देखें, दो फैमिलीज को देखें या किसी भी एक फैमिली को देखें और उस फैमिली की ग्रोथ को देखें, अगर आप ग्रोथ को देखें बेटे, ग्रोथ को देखते हुए एक बात समझ आती है कि उस फैमिली में अगर सभी एजुकेटेड बेटे, अगर सभी इनकम जनरेट करते, अगर सभी की इनकम जनरेशन हो रही है, सभी उस मेंबर्स उस फैमिली के सभी मेंबर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस फैमिली के सभी मेंबर्स की इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से,
वो सभी 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 के सभी पॉजिटिव थॉट्स के हैं। बेटे क्या लगता है, क्या लगता है मेरे बेटे, उन सभी की कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं? तो क्या लगता है बेटे, क्या लगता है बेटे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस फैमिली की ग्रोथ होना स्वाभाविक है, ग्रोथ होना स्वाभाविक है, ग्रोथ होगी। बेटा मैं आपको यही बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए, एक एक यूरोप है तो बेटे एक इंडिया है, इंडिया ने यूरोप, इंडिया और यूरोप, मैंने दो कंट्रीज आपके सामने रखी, एक यूरोप एक इंडिया, और मैं कहूं एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटे इस दुनिया में सबसे पहले ग्रोथ जो हुई, आपको मालूम है सबसे पहले ग्रोथ जो हुई, बेटे अगर मैं एक्स एक्सिस में टाइम लेकर आ जाऊं तो सबसे पहले ग्रोथ जो हुई बेटे वो यूरोप में हुई, और उसके बाद ग्रोथ हुई यूएसए में, और आज भी यूएसए में चल रही है बेटे। उसके बाद ये कंट्रीज का नंबर आ रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बेटे इन चार लोगों का बाद में नंबर आ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे? तो सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि यूरोप ने कितनी कंट्रीज को गुलाम रखा, बहुत गुलाम रखा बेटे, 300 400 सालों तक तो गुलाम ही रखा, उसमें हमारी इंडिया भी थी। आपको याद है इंडिया में कुछ वर्ष पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी बेटे, कॉमनवेल्थ गेम्स किसकी हुई थी आपको पता है? कॉमनवेल्थ गेम्स बेटे किसकी हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उन देशों की जो जो गुलाम थे फिरंगियों के, बेटे फिरंगियों के गुलाम थे बेटे। इतने वर्षों तक हर कंट्री का दबा कर उन्होंने सोना हीरा कोहिनूर मेरे देश का सब चीजें उठा उठा कर अपने देश ले गए, अपने देश ले गए। आप बताइए अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हो, अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा हो, अगर कोई कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा हो, तो बताइए बताइए क्या उस कंट्री की करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी? आप सब तो चार्टर्ड सेक्रेटरी बनने वाले हैं, मुझे एक बात बताएं, आप सब कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, मुझे एक बात बताएं, जिस कंपनी के यहाँ पर रिजर्व ज्यादा हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा हो, कैपिटल रिजर्व ज्यादा हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ज्यादा हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस ज्यादा हो, उस कंपनी की मार्केट प्राइस ऊपर नहीं आ जाती? सोचे सोचे कि एक कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस कौन कौन से फैक्टर से रिलेट करती है? अगर उस कंपनी की ईपीएस, उस कंपनी के प्रमोटर्स, उस कंपनी के प्रमोटर्स, उस कंपनी की ईपीएस, उस कंपनी के बेटे बेटे प्रोजेक्ट्स, वो कंपनी आरओआई कितना कर रही है, उसके पॉलिटिकल रिलेशन कितने हैं बेटे, सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और उससे क्रिएट होते हैं बेटे सेंटीमेंट्स। तो बेटे सेंटीमेंट से बनते गए एमपीएस, तो बेटे एमपीएस के बाद ही किसी फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइज, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटे एमपीएस से आप। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं मास्टर क्या कह रहा है, करना क्या चाह रहा है, आज क्या कराएगा बेटे? मैंने क्या कहा, मैं आज लेक्चर थ्री में हूँ बेटे, लेक्चर थ्री में मैं अभी तक जो भी बता चुका हूँ, मैंने कहा भाई एक होता है एक्सचेंज रेट बेटे, मैं पहले लेक्चर वन और टू का थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक होता है बेटे एक्सचेंज रेट। आप बताओ आपके घर के आसपास 20 रुपए का एक किलो प्याज नहीं आता तो बेटे मुझे बताओ प्याज, ओनियन और रुपी का आपस में अदला बदली इसको बोलते हैं बेटे एक्सचेंज रेट, कि दो करेंसीज इस रेट में आपस में एक्सचेंज हो रही है बेटे, उसका नाम है एक्सचेंज रेट।
अभी बात करेंगे, तो एक्सचेंज रेट में बेटे एक चीज बेस होती है, फिर मैंने बताया था एक होती है बेस करेंसी, तो एक होती है कोड करेंसी, बेटे एक होती है बेस करेंसी और एक होती है कोड करेंसी। बेस का मतलब है तो बेटे यूनिट करेंसी होती है, बेटे यूनिट करेंसी, इसको बोलते हैं फिक्स करेंसी, फिक्स करेंसी। तो बेटे कोड कौन सी होती है, मैंने बताया था बेटे वेरिएबल करेंसी, वेरिएबल। जैसे कॉस्टिंग में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल वैसे ही बेटे एक बेस करेंसी होती है, एक कोड करेंसी होती है। जैसे मैं कहूँ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, बेटे ये बेस है। तो बेटे रुपीज क्या है, कोड करेंसी है बेटे, कोड करेंसी है, कोड कोड कोड। फिर बताया था मैंने कि बैंक एक रेट देता है और उसका नाम है बैंक रेट। बैंक रेट में दो रेट होते हैं, एक बिड रेट और दूसरा कौन सा, आस्क रेट। एक बिड रेट और एक आस्क रेट। बेटे बिड रेट का नाम है बाइंग रेट और आस्क रेट का नाम है सेलिंग रेट। बेटे सेलिंग रेट हमेशा ज्यादा होता है। और दूसरी बात बताई थी कि इट इज टू बी रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो दूसरी बात, बेस करेंसी, इट इज द बेस करेंसी विच इज टू बी परचेस्ड और टू बी सोल्ड। बेटे बेस करेंसी को ही बेचा जाता है और बेस करेंसी को ही खरीदा जाता है मेरे बेटे। तो ये बात बता दी थी। फिर बेटे मैं आगे चला था कि अगर आपको एक बैंक रेट को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटे जैसे $1 इज इक्वल टू रुपीज 60 है, रुपीज 65 है, तो मैं यहाँ पर बेस चेंज कर सकता हूँ, रुपी का भी लेकर आ सकता हूँ। तो कोड को बनाएंगे बेस और बेस को बनाएंगे कोड। बेटे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं $1 इक्वल टू $1/$65, $1/$60, ये भी लिख सकते हैं आराम से बेटे, $1/$65 ये आ गया जी .01538। बेटे $1/$60.01666 $1 इज इक्वल टू इतने डॉलर्स। तो बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बैंक रेट बता दिया था, फिर फ्लो चार्ट बनाया था और उसके बाद लेयर्स बताई थी और फिर मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन बिड बिड एंड आस्क रेट इज स्प्रेड। बेटे इसको स्प्रेड बोलते हैं। बेटे स्प्रेड एब्सोल्यूट रुपीज में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज करें कंसेप्ट। फिर लास्ट में मैंने वीडियो दिखाए थे और अब मैं चल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट आर द फैक्टर्स जो मैंने आपको थ्योरी का क्वेश्चन निकलवाया। सभी बच्चे उस थ्योरी के पेज को निकाल लें, मैंने बताना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर दे, आज हम इसको देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटे जो एक कंट्री के कंपनी के कंट्री की करेंसी को ऊपर नीचे कर दे। बेटे मैंने वो बातें लिखी हुई है, अभी हम देखेंगे बेटे कौन कौन सी ऐसी बातें और उसकी हम चर्चा करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। तो बेटे अभी जैसे मैंने लिखा था एक फैमिली की ग्रोथ उस फैमिली के मेंबर्स के हैबिट्स के ऊपर डिपेंड होती है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होती है, उनके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड होती है। जैसे मैंने उसके बाद बताया था कि एक कंपनी का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे क्यों आता है, उसके लिए बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं बेटे, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से
मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। एक फैक्टर का नाम है बेटे, मैंने वहां पे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटे आपको मैंने वहां पर वो दिया हुआ है बेटे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है और कैसे अफेक्ट करती है। आपको याद है इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था कि इफ वन कंट्री एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, अगर एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, निर्यात ज्यादा करती है, आयात से निर्यात ज्यादा करती है बेटे, उसके पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी बेटे, वो उसकी पोजीशन क्या होगी, सरप्लस पोजीशन होगी, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप बताइए अगर किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रही है तो ये अच्छी बात है या गंदी बात है, बेटे अच्छी बात है। और अगर कोई कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कम करती है, इंपोर्ट कर रही है, चावल मंगाओ, तेल मंगाओ, गेहूं मंगाओ, अपना घर का कुछ नहीं प्रोड्यूस करते, इंपोर्ट बहुत करते हैं, बेटे मैं कहूंगा कि उस केस में उस कंट्री का क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिसिट में। बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो वीडियो दिखाया था, नेचुरल रिसोर्सेस। बेटे आपको याद है कि आप कुछ दिनों पहले इंडिया में एक बाबा थे, उन्होंने कहा था जमीन में मध्य प्रदेश की जमीन के नीचे इतने हजार किलो सोना है, कुछ बोला था ये नहीं। तो बेटे हमारी सरकार ने खोदना तक शुरू कर दिया था और निकला कुछ नहीं। आप मुझे बताएं आज इराक, ईरान, दुबई, इन सब के पास नेचुरल तेल है, ये लोग मजे करते हैं, फिर भी इनकी करेंसी सबसे महंगी है। बेटे जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, बेटे गोल्ड ज्यादा है, बेटे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, बेटे तेल ज्यादा है, बेटे गैस के भंडार है, बेटे जमीन में नीचे पानी है और नीचे खाने निकल रही है बेटे हीरे की, बेटे वो कंट्री अमीर बनेगी भी और उस कंट्री की जो करेंसी है बेटे महंगी होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटे। मैंने उसके बाद एक फैक्टर लिखा इन्फ्लेशन कि अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा, जैसे मैं कहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, अगर मैं इन दोनों की इन्फ्लेशन को चेक करूं, अगर मैं इन दोनों की इन्फ्लेशन को चेक करूं, यूएसए और इंडिया की इन्फ्लेशन को चेक करूं, मुझे एक बात समझ आती है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, जिस कंट्री में डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जिस कंट्री में डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, अच्छा डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, लेस प्रोडक्शन। सोचिए आप प्याज का रेट क्यों बढ़ते हैं, सोने का रेट क्यों बढ़ते हैं, गोल्ड 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 का रेट क्यों बढ़ जाता है दिवाली के आसपास, क्योंकि बेटे जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा उसको खरीदते हैं, सप्लाई नहीं आ रही तो इन्फ्लेशन हो जाती है। बेटे आप ये बताइए जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड होगी, और उस कंट्री में हाई इन्फ्लेशन विल बी देयर, बेटे इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। अगर जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, मान लेते हैं अमेरिका में इन्फ्लेशन है 2% की और इंडिया में इन्फ्लेशन है मान रहे हैं बेटे 11% की, इसका मतलब अमेरिका में $1 आज का $1 ज्यादा समझ ले, आज T0 है और T1 यहां पे रख ले, T1 के $100 आज कितने के बराबर होंगे अगर इन्फ्लेशन 2% की हो, तो कैलकुलेटर में कर देते 1 / 1.02
आगे बेटे 98 डॉलर्स के बराबर, 98.03 डॉलर्स के बराबर। तो इंडिया में अगर मैं इसी चीज को देखूं तो मैं कहूंगा जी 100 रुपए इंडिया के एक साल के बाद के आज कितने के बराबर है बेटे? अगर इन्फ्लेशन हो 11% की बेटे कर सकते हैं 1/1.11। ये आगे बेटे 90 रुपीज, ये 90 रुपए आ गया, ये 90 रुपए आ गया। तो बेटे एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है उस कंट्री की करेंसी की रियल वर्थ, रियल वर्थ, रियल वर्थ कम हो जाती है बेटे, उसकी रियलिटी में वर्थ कम हो जाती है। तो जब रियल वर्थ कम हो जाती है तो अल्टीमेटली वो करेंसी चीप हो जाती है, चीप हो जाती है बेटे। तीसरा फैक्टर इंटरेस्ट के साथ इन्फ्लेशन फैक्टर बताया बेटे, एक और फैक्टर लिखा है इंटरेस्ट रेट। आपको मालूम है कि हमारा जो कंपनी जो आरबीआई है वो बैंक को और बैंक से कुछ रेट में पैसे लेता है और कुछ रेट में पैसे देता है बेटे। दो रेट होते बेटे, एक का नाम है रेपो रेट बेटे, दूसरे का नाम है रिवर्स रेपो। एक का नाम है रेपो तो दूसरे का नाम है रिवर्स रेपो। दो रेट होते बेटे, रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब जब मार्केट में इन्फ्लेशन महंगाई डिमांड ज्यादा होती है, मान के चलिए डिमांड बहुत है, दिवाली के दिनों में डिमांड बहुत हो जाती है। अच्छा जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो क्या होता है अल्टीमेटली? प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस इन्फ्लेशन हो जाता है। बैंक क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट, अपना एफडी का इंटरेस्ट रेट, अपना रेपो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते। मान लेते हैं 12% की एफडी का रेट कर दिया, पहले बैंक की एफडी में 10% का इंटरेस्ट था, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12% का रेट कर दिया। तो मुझे बताइए रामलाल क्या सोचे, अचानक रेट बढ़ गए बेटे? रामलाल सोचेगा कि जो मुझे अभी होम थिएटर खरीद रहा था, जो मुझे अभी एप्पल का मोबाइल परचेज करना था, जो मुझे अभी कर्व एलजी की एक स्क्रीन खरीदनी थी, अभी नहीं खरीदेगा बेटे। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इंटरेस्ट रेट उस समय 12% का है, तो वो बेटे पैसा बैंक में डालेगा। अच्छा जब पैसे बैंक में जाएंगे तो डिमांड कुछ कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी। अच्छा जब डिमांड कम होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई का फर्क पड़ेगा बेटे। इंटरेस्ट रेट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हाइल अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स। अब बात समझ रहे बेटे, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऊपर नीचे किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे? तो नींद आ रही है, कह रहा पता नहीं क्या करा रहा है, उसके कान को थप्पड़ मारूंगा। मैं कह रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज कि एक डॉलर के बराबर 60 रुपीज के रूप, एक डॉलर या एक पाउंड के बराबर 80 रुपीज ही क्यों आते हैं बेटे? दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि आप उस पेज को एक बार दोबारा से निकाल लें। मैंने कहा जी फर्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क थ्योरी के लिए भी, बेटे प्रैक्टिकल समझने के लिए भी थ्योरी के लिए भी बेटे प्रैक्टिकल समझने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज। बेटे पहला फैक्टर है बैलेंस ऑफ
पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, चेक कर दे, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज. इफ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज मोर देन इट्स सप्लाई, देन डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट. अंडरलाइन कर दीजिए, डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट एंड फॉरेन करेंसी विल एप्रिशिएट. बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गया. दूसरा इन्फ्लेशन. If inflation in the country is more than foreign country, अगर इंडिया में inflation ज्यादा है foreign के comparatively, Europe के comparatively, America के comparatively, then the purchasing power of domestic currency will decrease. Real worth कम हो जाएगी. जब real worth कम होगी, it means less units of foreign currency can be purchased. With the same level of domestic units, you know what? With the next factor, interest rate, the national income. National income किसी भी country की तीन sector से आती है: agriculture, primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, tertiary. जिस country में तीनों sectors मेहनत से काम करते हैं, उस कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा अच्छी होती है और उस कंट्री की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग बनती है. बेटे स्ट्रॉन्ग 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 बनती है. मैंने एग्जांपल दिया था बेटे फैमिली का, एक फैमिली में सब पढ़े लिखे बेटे, एक फैमिली में सब काम करने वाले बेटे, इनकम ज्यादा है उस फैमिली की, एक्सपेंडिचर सेविंग, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सब पॉजिटिव थॉट्स वाले. परेशानियां तो बेटे हर किसी को आती है, लेकिन वो परेशानियों का सामना करती है बेटे. इस फैमिली की रियल वर्थ कुछ इयर्स के अंदर अंदर बढ़ जाएगी बेटे. ये नेशनल इनकम. मनी सप्लाई बेटे, आपको मालूम है कि एक कंट्री मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है. जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो बेटे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है. आप बताइए सोच, आप सबकी पॉकेट में 500 रुपए का नोट है, कल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर को ये माइंड में आता है कि 500 की जगह एक जीरो और लगा दे, 500 वाला नोट 5000 का बना दे, बेटे मनी सप्लाई बढ़ गई. और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, और उसके बेस में कुछ नहीं है मतलब अगर रिजर्व नहीं है तो बेटे ज्यादा लोग ब्रेड मांगने जाएंगे, ज्यादा लोग चीजें खरीदने जाएंगे और चीजें होंगी नहीं, इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी. बेटे मनी सप्लाई भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में. ठीक है जी, मनी सप्लाई. रिसोर्स डिस्कवरीज में बेटा बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ बेटे रिसोर्स डिस्कवरीज, पॉलिटिकल फैक्टर्स. आप बताइए जी, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिल्कुल साथ साथ आजाद हुए, लेकिन बेटे पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है हिंदुस्तान से. क्यों क्यों बेटे? वहां पर पॉलिटिकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपस में एक दूसरे को लड़ते रहते हैं और मरते रहते हैं. तो जिस देश में अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, लोग लड़ते रहते हो, मान के चलो आपके घर के साथ एक घर है और उसमें हर रोज आपको आवाज आती है लड़ाई की, आपके मन में उस घर के लिए इज्जत होगी या प्यार आएगा? ठीक है, ना तो इज्जत आएगी ना प्यार आएगा. आप हमेशा मन ही मन सोचोगे पता नहीं कैसे, जब देखे लड़ते रहते आपके मन में उनके लिए डाउन गुडविल हो जाए. बेटे यही खेल किसी कंट्री का, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकली मूवमेंट ज्यादा है, फैक्टर्स ज्यादा है, डिसएबिलिटी है, बेटे वो कंट्री कभी पनपेगी नहीं. ये कहना चाह रहा हूं बेटे, मैंने कहा ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री की करेंसी को चेंज कर सकते हैं. बेटे ये सारे फैक्टर्स पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं कुछ आगे आपको लेके चलूंगा,
मैं चाहता हूँ कि एक आध कंसेप्ट आप अगर निकले तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा बेटे। बेटे मैंने कहा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में 14 तक कराया, जो मुझे याद है, या चलिए 15 तक कराया, मुझे याद आ रहा है 14 15 तक कराया, तो घबराने की बात होगी, 14 या 15 कुछ तो कराए थे। 14 के बाद मैं अभी 15 16 17 18